not made, Guru is born. Our Guru took birth to make us realize how for some people one's own efforts, one's own karma is the greatest devotion. Some choose to remain peaceful, quiet, yet dedicated and passionate, and continue working hard with the feel of nishkam karma. With an unmatched passion and dedication to uplift the mankind from worldly, physical, mental and spiritual sorrows through the arts and science of yoga and meditation, Guruji began his sadhana at a very early age. And being so humble and down to earth, epitome of simplicity and modesty, a proof that Guru are born, and each life that he has touched has witnessed a magnificent change within the lifetime. When he talks, everyone is left mesmerized and want to see more of him and want to hear more of him. Our beloved Guruji of one of the oldest yoga ashrams strived hard for decades to establish yoga and meditation as a field and as a therapy system to cure 50 plus ailments over a period of last 60 years. Ever since the time when yoga was not yoga and yoga was not as popular. Along with his consort, Ma, who nurtured the yoga ashram with utmost love, care and affection while traveling the journey together, on the path showering of love, compassion, blessings and personalized touched by Guruji and Ma to enlighten people from within and diminish the burdens of mortal life. He established the Yog Bhavan on the banks of River Gomti and continues to run the yoga ashram as a result of his passion, dedication and service in the field of yoga and meditation. And to his father and guru both, Param Guruji Ram Kumar Sharma. The choice between using a space commercially and using a space for yoga and spiritual advancement purposes was an obvious choice made by Guruji. Yogashram has been working under able guidance of Guruji and Ma. हमारे प्राचीन ग्रंथों में गुरु का परिचय बताते हुए कहा गया है कि गुरु वह होता है जो अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति के भीतर के गुरु को जागृत करते गुरु एक तत्व होता है जो सबके भीतर विद्यमान है और वास्तविक गुरु वही होता है जो अपने शिष्य के भीतर विद्यमान गुरु तत्व को जागृत करे। जहां तक हमने देखा है समझा है यह कथन हमारे गुरुजी परम आदरणीय पंडित सुधीर शर्मा जी पर पूर्णतः चरितार्थ होता है। उनके सानिध्य में जो भी व्यक्ति आया वर्षों से हम सब ने देखा है कि हर व्यक्ति को समय देकर वो उसकी व्यथा सुनते हैं उसके भीतर की उलझने उसके भीतर की व्याकुलता को स्वयं अनुभव करते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं ताकि वो उस अंधेरे से निकल सके और अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों का दृढ़ता के साथ सामना कर सके और इतना ही नहीं अपने समाज में अपना एक सार्थक सकारात्मक योगदान दे सके। जी प्रणाम एवं सादर चरण स्पर्श।
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या कहें, भावनाओं के आगे शब्द छोटे पड़ रहे हैं। हमें बस एक ही बात पता है कि आप ही मेरी हर समस्या का समाधान करते हैं। हमें जब भी कोई समस्या होती है बस हमें आप याद आते हैं और हम आपके पास पहुंच जाते हैं और आप हमारा निदान समस्या का निदान भी कर देते हैं। इस अवसर पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी छात्र छाया हम सब पर सदा बनी रहे। ईश्वर आप सबको सदैव स्वस्थ रखें। अंत में बस हम यही कहना चाहेंगे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मेरा गुरु जी को कोटि कोटि नमन। मैंने जब योग आश्रम ज्वाइन किया मैं बहुत छोटी थी, मुझे योग के बारे में कुछ नहीं पता था। गुरुजी ने अपना प्यार अपना आशीर्वाद अपना हाथ मेरे सर पे सदा रखा। क्यों होता है कैसे होता है कब होता है ये समय समय पे मुझे बताया। मुझसे जो गलतियां होती थी उनको वो समझाते थे, बाद में सिखाते थे और एक बच्चे की तरह मुझे समझाया। आज मैं जो कुछ भी हूं सब उन्हीं के प्रताप से के आशीर्वाद से हूँ। मैं स्टडी हॉल कॉलेज में एक योग प्रशिक्षिका हूँ, वहाँ पे मैं बच्चों को योग कराती हूँ। कुछ सेमिनार वेबिनार भी करती हूँ, कई अटेंड किए हैं। जब भी मैं जहाँ जाती हूँ सबसे पहले गुरु जी का ही याद करती हूँ, बच्चों को योग कंपटीशन कराती हूँ। जो कुछ भी आज सब गुरु जी के आशीर्वाद और प्यार की वजह से, क्योंकि छत्र छाया में रह के मैंने योग शिक्षा सीखा, योग का ज्ञान सीखा। जो कुछ भी मैं हूँ आज सब गुरु जी की वजह से। गुरु जी को मेरा फिर कोटि कोटि नमन है और हमारी गुरु माँ मासी को भी मेरा कोटि कोटि नमन। मैं योग भवन के अपने परम आदरणीय बड़े गुरु जी को श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले आज गुरु पूर्णिमा है, काफी समय पहले से दोहा सुनने को मिलता था, तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर गुरु मनुष्य न मानिए ये सब न दिक्षोर। योग भवन में योग के लिए उन्होंने मुझे इतना प्रेरित किया और आज योग का जो महत्व है उसमें मैं अपने शरीर के अंदर जो बदलाव महसूस कर रहा हूँ चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम गुरु जी। आज मैं जो भी हूँ वो आपके संयोग की बदौलत हूँ, योगा की बदौलत हूँ। आपने जो मेरा संयोग किया मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानती हूँ। प्रणाम गुरु जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगा भवन जो विगत 60 वर्षों से हम समस्त लखनऊ शहर के निवासियों एवं आसपास के निवासियों को स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन जीने की एक अलग और अलौकिक प्रेरणा प्रदान कर रहा है। इस संस्थान के माध्यम से अब तक लाखों लोग
अपने जीवन की आध्यात्मिक, शारीरिक एवं मानसिक व्याधाओं से मुक्त पाकर एक स्वस्थ जीवन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए इस संस्थान के बड़े गुरुजी एवं धीमान प्रभाषा छोटे गुरुजी को हमारा बहुत बहुत कोटि कोटि अभिनंदन प्रणाम और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। गुरुजी प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई हो। गुरु पूर्णिमा के अवसर पे मैं कुछ आपके लिए समर्पित करना चाहती हूँ। अज्ञानी रूपी अंधकार से ज्ञानी रूपी प्रकाश के सफलता के उजाले की ओर गुरु के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ ही होता है अज्ञानी रूपी अंधकार से ज्ञानी रूपी प्रकाश की ओर ले जाना। संस्कृत में गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। आज मैं गुरुजी मैं एक श्लोक समर्पित करना चाहती हूँ आपको कि सही क्या है गलत क्या है सब पढ़ाते हैं आप, झूठ क्या है सच क्या है सब समझाते हैं आप, जब सूझता नहीं कुछ तब राहों को सरल बनाते हैं आप। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। मैं पलक, आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे अंदर आज जो कुछ भी है, चाहे वो ध्यान ज्ञान धैर्य या फिर कर्म, वो सब आप ही की कृपा से है, आप ही के आशीर्वाद से है। मुझे नहीं पता था कि मैं भी, मेरे अंदर भी वो शक्ति है कि मैं किसी और मनुष्य की पीड़ा को दूर कर सकती हूँ या उसकी पीड़ा को ख़त्म कर सकती हूँ, पर आज अगर मैं ये कर पा रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आप ही के आशीर्वाद से। अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पर बनाए रखिएगा। एक लाइन बोलना चाहती हूँ आपके लिए, गुरु में ही ज्ञान का भंडार है, बिना गुरु ज्ञान जीवन में अंधकार है, गुरु ज्ञान ही इस जीवन का अमूल उपहार है। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते गुरु जी, सबल सर और सभी योग शिक्षक। कहते हैं कि जो स्वस्थ है वो दुनिया में सबसे अमीर है, और आपने हम सभी को बहुत अमीर बना दिया है। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना रहे। नमस्ते। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने पूजनीय गुरुजी को सत सत नमन एवं चरण स्पर्श करती हूँ और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनको हार्दिक बधाई देती हूँ। गुरु जी की जितनी स्तुति की जाए वो कम है। आज भी हमें याद है जब हम पहली बार योग आश्रम में आए थे और हमने गुरु जी के दिव्य दर्शन किए थे। हमने 89-90 में गुरु जी की देखरेख में योग शिक्षा प्राप्त की थी। उनके उत्तम व्यवहार से हम इतने प्रेरित हुए कि आज हम उन्हीं के सिखाए हुए योग को लगभग 12 वर्षों से प्रयागराज में सिखा रहे हैं। का दिया हुआ ज्ञान और उनकी सिखाई हुई योग की बारीकियां आज बहुत अच्छा हमें परिणाम दे रही हैं, जिससे हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। हम मेडिटेशन योग या प्राणायाम करते हैं तो हमें उनका ईश्वरीय युक्त चेहरा हमारे सामने आ जाता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरुजी स्वस्थ और निरोग रहें और दीर्घायु रहें। हम फिर से अपने गुरुजी को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बधाई देते हैं। गुरु पूर्णिमा के महान अवसर पर गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज के दिन से ही गुरु को ईश्वर के समान पूजा जाता है। प्रत्येक नागरिक के जीवन को संवारने एवं मार्गदर्शित करने, व्यक्तित्व का विकास करने, किस रास्ते पे चलना है किस रास्ते पे नहीं चलना है, क्या सदाचार है क्या दुराचार है, इसकी शिक्षा मात्र गुरु से ही मिलती है। प्रत्येक नागरिक के जीवन में किसी न किसी रूप में गुरु का अवश्य सहयोग रहता है। सृष्टि प्रकृति स्वास्थ्य शिक्षा संस्कृति संस्कार का ज्ञान देने वाला मात्र गुरु ही होता है।
तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर पंक्ति में वर्णन किया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागौ पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु को ईश्वर के समान माना है। योग के क्षेत्र में गुरु के दिशा निर्देशों से असाध्य से असाध्य रोगों को योगाभ्यास करा करके नहीं बल्कि विदेशियों के नागरिकों के जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग, नई सोच, नया जीवन गुरुजी ने दिया है। हम गुरुजी की दीर्घ आयु के लिए कामना करते हुए कोटि कोटि पुनः प्रणाम करता हूँ। गुरुजी प्रणाम। बड़े गुरुजी और छोटे गुरुजी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका प्यार और आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रहे, ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहे। आदरणीय गुरुजी, सादर चरण प्रणाम आपको, आपको और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, और आप हमेशा स्वस्थ रहें और हम लोग पर अपनी कृपा यूं ही बरसाए रहें। प्रणाम गुरुजी, आपने सदैव एक पिता की भांति संरक्षण और एक गुरु की भांति सही मार्गदर्शन मुझे सदैव दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम गुरुजी, आपको गुरु पूर्णिमा की बधाइयां। योग भवन में काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रणाम, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गुरु ही है जो इस संसार रूपी भव सागर को पार करने में सहायता करते हैं, क्योंकि गुरु ही ज्ञान के ज्ञान और दिखाए हुए मार्ग पर चलकर और व्यक्ति को मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हम सभी के जीवन में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। माता पिता के साथ गुरु ही होता है जो हमें अच्छी शिक्षा देता है, अच्छे रास्ते चलना सिखाता है। गुरुजी प्रणाम, आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम गुरुजी, आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी प्रणाम, आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। प्रणाम गुरुजी, गुरु पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। प्रणाम गुरुजी, आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपके गुरु को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरी इतनी मदद करी, मेरे सारे कष्ट दूर करे और मुझे योगा सिखाया। और मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी इसी तरह इस संस्था को चलाते रहें और लोगों की मदद करते रहें। धन्यवाद। गुरु जी, आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। प्रणाम गुरु जी, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद और आपका प्रेम हम सभी पर सदैव सदैव बना रहे। प्रणाम गुरु जी, गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई। आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। गीत डेडिकेट करने जा रहे हैं। तुम आशा विश्वास समाति, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, रामा तुम आशा विश्वास
बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो, दाते माते तुम बंधु भ्रात हो, रामा तुम ही ज्योति आकाश हमारी, रामा तुम आशा विश्वास हमारे। शत शत नमन। We successfully strive to uphold the Guru Shishya Parampara in the field of yoga, as yoga strongly adheres to the principles of Guru Shishya Parampara. In so-called modern society, the fabric of the society is changing rapidly, with highly consumeristic attitude and the values of exchange dominating all the relationships. It affects Guru Shishya Parampara too. Even in these contradicting times, we are pleased that we can follow and get enlightened from the Guru Shishya Parampara. However, we are indebted to our Guru, Sri Sudhir Sharma, for his kind grace and blessings upon each member and upon Yog Parivar that helps us to benefit mankind to achieve peace, health, and cure several ailments. We join hands across generations and borders to extend our naman, pranam, affection, and gratitude towards Guruji. Today and forever.